जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आपकी एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो चुकी है। क्या एग्जाम डेट है, क्या टाइमिंग रहेगा, उसके हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। क्लास 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए तो एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगी, सभी बच्चों के लिए जो है दो शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट फर्स्ट में और सेकंड शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे। जो पहली शिफ्ट होगी सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11:15 तक चलेगी, और सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम होंगे वो दोपहर 2 बजे से चल के और आपके वो शाम 5:15 तक रहेंगे। उसके बाद आपकी डेट शीट देख लेते हैं हम। डेट शीट आपके सामने ये रही, मैं फिर से कहूंगा ये डेट शीट क्लास 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए है। क्या डेट शीट है, ये रही आपके सामने, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब दिखाई दे रही है, अब ठीक है, अब ठीक है। मेन जो है इसमें आपके एक तो हिंदी हो गया, उसके बाद बही खाता तथा लेखा शास्त्र, व्यापारिक संगठन, अंग्रेजी और अधिकोषण तत्व, ये आपके मेनली 5 सब्जेक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उनकी क्या डेट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और SS का मतलब ये है कि ये आपका जो है सेकेंड शिफ्ट में होगा, सिर्फ एक एग्जाम को छोड़ के, ये वाला। ये कौन सा एग्जाम है ये भी देख लेते हैं। ये आपका 5 मई को जो औद्योगिक संगठन का होगा, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा और 5 मई को होगा। तो हिंदी कब होगा, ये डेट लिखी हुई है 24 अप्रैल को होगा, और ये आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा। अकाउंट का कब होगा, ये आपका 27 अप्रैल में होगा, और ये आपका सेकंड शिफ्ट में होगा। व्यापारिक संगठन की अगर बात करें तो ये आपका 28 अप्रैल में होगा, और ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में होगा। उसके बाद आता है अंग्रेजी, अंग्रेजी आपका 1 मई को होगा, और ये भी आपका सेकंड शिफ्ट में होगा। और लास्ट आता है अधिकोषण तत्व, ये आपका 3 मई को होगा, और ये आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मेनली जो है अधिकतर सभी बच्चों के पास ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो हिंदी, अकाउंट, व्यापारिक संगठन, अंग्रेजी और अधिकोषण तत्व। लेकिन अगर आप इसके अलावा आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना ये है, अगर आप अकाउंट्स में, यूपी बोर्ड के अकाउंट्स में अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप एक बार हमारा चैनल जरूर विजिट करें जिसका नाम है MS क्लासेस। आपको करना क्या है, सिर्फ इसकी सिंपली प्लेलिस्ट में आ जाना है, और यहाँ पे सबसे नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है 12th, इसका नाम है 12th अकाउंट UP बोर्ड एग्जाम। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, 1 मार्क के जितने भी चैप्टर वाइज हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन चैप्टर वाइज हमने कवर कराए हैं। ये 1 मार्क के क्यों कराए हैं, क्योंकि गाइस आपके एग्जाम में 10 नंबर के 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और ये 1 मार्क के क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, और आप आगे किस तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप इन वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।